हेलो एंड वेलकम गाइस इन अनदर वीडियो। तो कैसे आप सारे के सारे, आज आप लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूं रिवोल्ट आरवी 400 के ऊपर करेंगे अपन लोग ऑफ रोडिंग। तो वैसे यहां पे थोड़ी रोड जो है यहां पे काफी अच्छी तरीके से खराब है, न्यू बनने वाली है, तो मैंने कहा इसी रोड पे चलते हैं, यहीं पे इसका सस्पेंशन टेस्ट करते हैं। तो कीचड़ थोड़ा यार इस वजह से हो रहा है, अभी एक दो दिन पहले बारिश वगैरह हुई थी तो यार पानी वानी भर गया, थोड़ा कीचड़ हो गया, तो उस चीज को थोड़ा यार आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके कहा था कि भाई इसके ऊपर ऑफ रोडिंग करो, आरवी 400 से ऑफ रोडिंग करके दिखाओ क्या ये बाइक ऑफ रोडिंग करने में कैसी है कैसी नहीं है। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बाइक ऑफ रोडिंग करने में बहुत अच्छी है। अच्छी इस वजह से बोल रहा हूँ, जो इसका सस्पेंशन सेटअप है, जो इसमें रिवोल्ट ने आरवी ने सस्पेंशन सेटअप दिया है रिवोल्ट की तरफ से, काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैं इसको गड्ढों में लेके जा रहा था या गड्ढों में से निकाल रहा था, पहली बात तो देखो इसके अंदर टॉर्क कितना ज़्यादा है, गड्ढे में जाने के बाद बाइक ऐसा रियलाइज़ नहीं होने देती कि आपकी बाइक फंस चुकी है, पावर देनी पड़ेगी। काफ़ी स्कूटीज़ ऐसी हैं 100-110 सीसी की, जिनमें अगर थोड़ा सा ओवरलोड हो और वो गड्ढे में चल जाए तो आप एक्सीलेटर देते रह जाते नहीं निकलती है। और इसमें अगर आप तीन बंदे बैठ के गड्ढे में से निकालोगे, मैं श्योर कह रहा हूँ आप लोगों की ये बाइक ईजिली निकल जाएगी, क्योंकि इसका इनिशियल जो टॉर्क आता है ना बैटरी से वो बहुत अच्छा आता है। और इसका सस्पेंशन सेटअप अच्छा इस वजह से क्योंकि देखो बाइक में फाइबर बॉडी है और पीछे की तरफ एल्युमिनियम का यूज़ करा हुआ है, आप सभी लोगों को पता है एल्युमिनियम थोड़ा सा लाइट होता है। और इसका जो सस्पेंशन है, फ्रंट के जो यूएसडी है और रियर का मोनोशॉक, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अगर इसकी जो सीट है उसके अंदर जो क्वालिटी यूज़ करी गई है थोड़ी सी और अच्छी होती, अगर और ज़्यादा सॉफ्ट होती ना तो आपको इसका सस्पेंशन और एक लेवल अप लग सकता था, मगर अभी भी इतना है, एक एवरेज से थोड़ा अच्छा सस्पेंशन है। आप लोग जाओ चला के देखो, अगर लेने का मन बना रहे हो तो एक बार चला के देखो, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ यार बाइक अच्छी है, सस्पेंशन अच्छा है। मैं नहीं कहूँगा कि सस्पेंशन ख़राब है, देखो अगर जिस चीज़ का सस्पेंशन अच्छा नहीं होता, स्टिफ होता, तो मैं डेफिनेटली बोलता आप लोगों से। मैंने स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप दिखाया था आप लोगों की, वहाँ पे मैंने बाइक तेज चलाई थी, आप लोगों ने देखा स्टेबिलिटी से, आप कैमरे के एंगल से या स्टेबिलिटी को देख के आप लोग खुद एक बहुत ना के बराबर एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ बाइक का जो सस्पेंशन है वो अच्छा है। देखो यहाँ पे मैंने तेज भी चलाई, देखो थोड़ी, देखो 20-25 की स्पीड पे चल रही है, आप सभी लोगों को पता होता है कि 25-30 तक की स्पीड पर अगर खराब रोड पे चलाओगे तो आपकी बाइक जो होती है या स्कूटी होती है जो भी कुछ होती है वो बच जाती है, हिल जाती है। देखो आप देखो हैंडल कितनी तेज हिल रहा है, मगर कंट्रोल में, बाइक कंट्रोल से बाहर नहीं जा रही। तो आप लोग वीडियो में एंजॉय करो, बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही यार आप लोग नीचे आके कमेंट करके डिमांड करा करो कि यार ये वीडियो चाहिए तो चाहिए, और आप लोगों के लिए लाना मेरा काम है। तो अगली वीडियो मिलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, जब तक के लिए बाय। हाँ बढ़िया, डन। ये ना ऑफ रोड की बढ़िया था। हाँ यार ये ज़्यादा बढ़िया।